अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें जो बेबी केयर के लिहाज से जो प्रोडक्ट यूज़ होती हैं उनके हवाले से बताने के लिए। इसमें मेन तो जो है हमारा वो एक बेबी का फूड के लिए जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, वैसे तो बेस्ट जो है वो मदर फीड है। और उसके अलावा जो हम देते हैं फीड, उसमें मिल्क पाउडर जो होता है वो है, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के हैं उनमें, सॉरी मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं, जिनमें जो है वो सिमिलैक, नेस्ले नैन प्रो, ऑप्टिमल प्रो, और ये जो है ना मुझे बेस्ट लगे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। और इनमें जो है ना वो वैसे एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं, मतलब कि जैसे कि अगर मैं मिल्क पाउडर भी लें उस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल है, क्योंकि उसमें जो मेन होता है वो इंग्रेडिएंट को देखा जाता है। जैसे कि ये मेरे पास है सिमिलैक, इसमें जो है ये देखें वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ किए हुए हैं, मिनरल्स हैं, मिल्क सक्रोज है। अच्छा, कुछ जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें जो है वो पाम ऑयल यूज़ किया हुआ था, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो उनके अंदर जो है वो मतलब कि जम जाता है, तो वो सही नहीं है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ और ब्रांड्स के भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप उस सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले उनके इंग्रेडिएंट ज़रूर देख लें कि उनमें पाम ऑयल तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो उसके बाद जो सेकंड चीज़ यूज़ होती है वो मेन है पैम्पर्स, और वो जो है वो ज़्यादातर नाना और पैम्पर्स जो कंपनी है उनके, और इसके अलावा हगीज़ वगैरह बहुत सारी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो पैम्पर्स जो वाले पैम्पर हैं उनकी है, और वो बेबी के लिए कंफर्टेबल भी हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा जो है ना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेबी वाइप्स यूज़ होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अवेलेबल होते हैं, वैसे मैंने जो है अपनी जो है वो जॉनसन का यूज़ किया था। इसके अलावा जो है वो नाना का वाइप्स, नाना का भी है, डे केयर के भी हैं, जॉनसन्स के भी हैं, इसके भी जो है मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अवेलेबल हैं, ब्रांड अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है वो जॉनसन्स का बेबी पाउडर, जॉनसन्स का बेबी ऑयल, जॉनसन्स का बेबी लोशन, जॉनसन्स का जो है वो शैम्पू, इसका जो है वो रैपर उतर गया। इनकी जो है वो लार्ज साइज भी अवेलेबल है और स्मॉल भी, तो मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अवेलेबल हैं मार्केट में, हम जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। उनमें पिजन्स के हैं और भी काफ़ी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, जैसे कि हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो है हम ये तो मालिश वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमें जब बेबी का डायपर चेंज करते हैं तो वहाँ पर रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं पैम्पर मसल्स लगाने से, वैसे तो एहतियात करनी चाहिए कि एक दो घंटे का उसमें गैप देना चाहिए, लेकिन उसमें जो है वो ये कोकोनट ऑयल है, पैराशूट ऑयल के नाम से ये अवेलेबल होता है, इसको हम मार्केट से ले सकते हैं, किसी भी आप स्टोर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये जो है वो ऑयल यूज़ होता है रैशेज़ को रिमूव करने के लिए, और इससे जो है वो आप ऑयल लगा के ऑयलिंग करके फिर आप उसका पैम्पर्स पहना सकते हैं। इसके अलावा फिर भी बहुत एहतियात के बावजूद भी रैशेस जो हो जाते हैं, वैसे रैशेस की बहुत सारी क्रीम अवेलेबल हैं, मैं यहाँ ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं जो वैसे यूज़ कर रही हूँ उसमें नेपी रैश है,
और इसके अलावा रैशनल की नैपी रैशेज के क्रीम भी अवेलेबल है, एक सूडो क्रीम के लिए से वो भी अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी क्रीम है। और हाँ जी, जॉनसन्स का बेबी सोप ये भी मुख्तलिफ उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा जो है ये तो इनिशियली जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा जो है ना, जैसे बेबी 3 मंथ का हो जाता है उसके बाद हमें जो है वो हमें बेबी को जो है वो ये हार्मोनिक म्यूज़िक जो है ये लगा कर ज़रूर देना चाहिए। ये एक कर्डल होती है, ये ऐसे हैंग हो जाता है, ठीक है, इसको बेड के ऊपर लगा दें या उसके जो बेबी का जो वो होता है झूला होता है पालना उसमें साइड पे लगा दें तो ये चलता भी रहता है और इससे जो है वो बेबी हाथ पांव अपने हिलाता है और एक्टिव रहता है। और उसके हाथ पांव की जो है ना वो वर्जिश हो जाती है और हाथ पांव खुले जाते हैं। इसके अलावा जो जैसे ही बेबी कुछ चीज़ें पकड़ने लग जाता है उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ये उसके हाथ में जब पकड़ने लग जाता है तो वो खुश होता है जैसे ही वो। और एक ये इसमें लाइटिंग है, वैसे इससे तो मेरी बेटी बहुत डरती है। इसका जो है ना लाइटिंग जलती है या शायद यहाँ पे रोशनी है ना तो इस वजह से ये चल नहीं रहा। ये देखिए, इसके अलावा जैसे ही बेबी जो है वो 4 मंथ का ऑलमोस्ट हो जाता है उसको बेबी सीटर प्रोवाइड करना चाहिए 4 to 5 मंथ का। उसमें जो है मैंने तो ये बेबी सीटर परचेज़ किया था, ये डोल जो बनी हुई है ना इसको देखकर बच्चे खेलते भी हैं, वो समझते हैं कि हमारे जैसा ही छोटा सा बेबी है। इसमें आप बेबी को कंफर्टेबल तौर पर बिठा सकते हैं, इसमें गिरने का ख़तरा नहीं होता है। लेकिन इसका जो है मैंने गलती की कि इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना ये वाला लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्लैट सरफेस पे होते हैं उनके ये वाला पोर्शन नहीं होता, ये ज़मीन पर होता है, उससे बेबी जो है ना वो गिरता नहीं है। जैसे हम इसको अब ऊपर नहीं रख सकते, इसको ज़मीन पर रख सकते हैं और वैसे भी अगर वो हिले तो इसमें गिरने का ख़तरा है। इसके अलावा मैं आपसे और हाँ जी, ये है बेबी टीदर ग्लव्स, ये बेबी के हैंड में आप डाल दें जैसे वो 6 मंथ 5 मंथ का हो जाता है उसके दांत जो है ना वो अपने दांतों में मुँह में हाथ डालना शुरू कर देता है क्योंकि उसके जो टीथ का जो जाड़े वगैरह हैं वो मजबूत हो रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ चाहता है कि हमारे मुँह में रहे तो वो अपने हाथों से ये काम करता है। तो इसलिए हमें जो है ना वो इस तरह के ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं या टीदर बेबी टीदर मिलते हैं तो वो हम ले सकते हैं। तो इसे वो अपने दांत में वो करेगा तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके अलावा जो है वो बेबी के हम झूले वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी और इसमें लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर लाजमी करें और अगर कहीं मेरी कोई खामी हो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी और आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो कमेंट में सेक्शन में लाजमी मेंशन करें कि आप इस टॉपिक पे बना दें। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ियमानीला, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।